आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब बीजेपी और विपक्ष की लड़ाई बनकर रह गई है। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर दिल्ली की सियासी फिजा इन दिनों फिर से बदली बदली सी है। विधायकों पर कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ दिखी। विपक्ष तो विपक्ष, एनडीए की सहयोगी शिवसेना, बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा भी आम आदमी पार्टी के साथ आवाज बुलंद किए हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी इस मुद्दे पर खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ दिखी। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किसी संवैधानिक संस्था का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 20 आप विधायकों को माननीय निर्वाचन आयोग ने सुनवाई का मौका नहीं दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस कठिन समय में हम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के साथ हैं। ममता के साथ साथ बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा भी आम आदमी पार्टी के साथ दिखे। यशवंत सिन्हा ने तो इसे तुगलकी फैसला बता दिया। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने का राष्ट्रपति का फैसला न्याय संगत नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हुई, हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार भी नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी तुगलकशाही है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने आपके साथ हमदर्दी जताते हुए जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद जताई। अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, आपकी टीम और खासकर आपको बहुत बहुत बधाई। याद रहे कि रास्ता कठिन होता है तो आप मजबूत होते हैं और कठिन सफर बीतता जाता है। सत्यमेव जयते, जय हिंद। आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका शिवसेना ने दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। अगर प्रॉफिट की बात करें तो अगर राजनीति में और खास करके जो पक्ष सत्ता पे होता है उनके बारे में अगर हम संशोधन करें तो ये पूरा राजनीति आज प्रॉफिट एंड लॉस का ही खेल बन गया है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो चुनाव चाहे देश का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे किसी ग्राम पंचायत का हो, आज लाखों करोड़ों रुपए का जो खेल चलता है वो कहां से आता है? वो भी तो एक प्रॉफिट से आता है। दिल्ली के महाभारत में भले ही आम आदमी पार्टी के साथ कई विपक्षी पार्टियां खड़ी हों, लेकिन खुद उसके पुरानी साथी ही खिलाफ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया गया था और मैं यही बात दोबारा कहना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की शक्ति का एहसास हो गया होगा, उन्हें ये पता लग गया होगा इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं। प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर कुछ तो आदेश देना था और उन्होंने दिया है। मेरी राय में इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन सही थी तो प्रेसिडेंट ने भी सही आदेश दिया है। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के हो हल्ले को बीजेपी नेता महेश गिरी ने विनाश काले विपरीत बुद्धि बताया। मरता क्या न करता ऐसी बात है कि जो अपने पाप इनके भर के घड़ा फूट गया है इसके बाद किसी न किसी तरह से ये लोग अपने प्रतिभा को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में छिड़ी इस जंग का नतीजा जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इसकी चिंगारी जल्द बुझती नहीं दिख रही। अभिनव उपाध्याय, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।